टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले कई महीनों से अपनी बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ अपनी कप्तानी को लेकर भी चर्चा में है। उन्होंने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में 3 T20 सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व किया है और सभी में जीत दर्ज की है। हार्दिक की कप्तानी में भारत ने हाल ही में श्रीलंका का घरेलू T20 सीरीज में 3-0 से सुपड़ा साफ किया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हार्दिक की अगुवाई में गुजरात टाइटंस पहली बार में ही IPL चैंपियन बनाने कामयाब रही, जिसके बाद से उनके नेतृत्व कौशल की जमकर सराहना हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 विश्व कप 2022 में भारत का सफर सेमीफाइनल में थम गया। सबसे छोटे फॉर्मेट का विश्व कप अब 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होना है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टूर्नामेंट के बाद से रोहित भारतीय T20 टीम का हिस्सा नहीं है। कहा जा रहा है कि हार्दिक को आगामी T20 विश्व कप के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है, ताकि वह युवा ब्रिगेड के साथ दमखम दिखा सके। हालांकि भारत के विश्व कप विजेता कप्तान और पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव ने हार्दिक को लेकर BCCI सेलेक्टर्स को चेताया है। कपिल देव का मानना है कि हार्दिक पांड्या BCCI के लिए दीर्घकालिक विकल्प है, तो ऐसे में बोर्ड को हरफन मौला खिलाड़ी की गलतियों के बावजूद समर्थन देने की जरूरत है। उन्होंने गल्फ न्यूज से कहा, मुझे लगता है कि किसी को दुनिया को नहीं देखना चाहिए, आप सिर्फ अपनी टीम और अपने सोचने के तरीके को देखें। हार्दिक से यह नहीं कहना चाहिए कि अगर आप एक सीरीज हार गए हम आपको हटा देंगे। अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो आपको उसे समय देना होगा ताकि वह परफॉर्म करना शुरू कर सके। वह गलतियां करेगा, लेकिन अहम बात यह है कि आप खामियां ना देखें। आप गलतियों के बजाय इस बात पर फोकस करें कि वह टीम को आगे ले जाने के लिए तैयार है या नहीं। भविष्य को देखें, आप हर सीरीज के हिसाब से ना देखें। क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही और क्विक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।